अस्सलाम वालेकुम जी। जी, राय गुलजार शाकर बानी खरल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। आज हम जिस हवाले से यहाँ साहिवाल आज़ादी चौक इकट्ठे हुए हैं, वो सारी दुनिया आज जानती है कि आज 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है। और ये कोई ऐसे हासिल नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ, तो इसका एहसास हमें करना चाहिए और हमें उन कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए अपनी जो है ना शमा वो जलानी चाहिए, जहाँ तक हम जला सकते हैं जो अपना हमारा वर्क है वो हमें करना चाहिए। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कि ये जो लोग इकट्ठे हुए ये कौन लोग हैं। ये खरल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारान हैं जो पूरे मुल्क से इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ मरकजी सदर साहब हैं, इनकी शफकत है कि इनकी सरबराही में खरल फाउंडेशन तमाम अजला से इकट्ठी होके लाहौर से लेके तो बहावलपुर तक सारे लोग आए इकट्ठे हुए। हमने आज़ादी चौक जो कि खरल फाउंडेशन पाकिस्तान ने ही बनवाया था, उसमें परचम कुशाई भी की और हमने वहाँ पे केक काटा और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए हमने दुआएं की। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को इसको खुश रखे, आबाद रखे और खरल फाउंडेशन पाकिस्तान के दूर दराज से आने वाले दोस्तों को खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हम पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं, हमारी कौम हाजिर है। जैसे कि खरल पहले कुर्बानियां देते आ रहे हैं, अभी भी जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा दौर है, हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए अपने मुल्क के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम।